बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। इस समय भारत की मेजबानी में वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात केवल आधारित होगी भारत की कमजोरी और भारत की मजबूती पर। जी हां, सेमीफाइनल की जंग काफ़ी रोचक हो गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक 5 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की। इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। उसने अपने 5 में से 4 मुकाबले जीत लिए हैं। इस वर्ल्ड कप में अफ्रीकी टीम ने अपनी बैटिंग से सभी टीमों को धूल चटाई है। उसने अब तक टूर्नामेंट में टॉप 2 हाईएस्ट स्कोर बनाए हैं। उसने श्रीलंका के खिलाफ 428/5 और इंग्लैंड के खिलाफ 399/7 का स्कोर बनाया था, जबकि भारतीय टीम ने सभी मुकाबले चेज करते हुए जीते हैं। भारत की टक्कर में न्यूजीलैंड को भी तगड़ी टीम माना जा रहा था, लेकिन 22 अक्टूबर को ही भारतीय टीम ने कीवी टीम को करारी शिकस्त देकर खुद को बेस्ट साबित किया। मगर साउथ अफ्रीका से भारत की टक्कर बाकी है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 5 नवंबर को खेला जाएगा और तब पता चलेगा कि कौन किस टीम पर भारी है, यानी कौन सी टीम बेस्ट है। यदि आंकड़ों पर नज़र डालें तो दोनों ही टीमों में अभी भी कुछ बड़ी कमजोरियाँ नज़र आती हैं। ऐसे में एक कमजोरी भारतीय टीम में यह है कि फैंस को डर है कि कहीं ये कमजोरी सेमीफाइनल में भारी ना पड़ जाए। जी हाँ, यह कमजोरी है पहले बैटिंग करते हुए मैच जीतने की, यानी कि अब तक भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में सभी 5 मैचों को चेज करते हुए जीता है। ऐसे में रोहित एंड ब्रिगेड को यह पता नहीं है कि यदि उनको पहले बैटिंग करना पड़ जाए तो क्या वो मैच जीतने की काबिलियत रखते हैं या नहीं। पहले बैटिंग करने में बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजी की भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि पहले बैटिंग करने पर बल्लेबाजों के सामने बड़ा स्कोर बनाने का दबाव है। इसके बाद गेंदबाजों पर टारगेट डिफेंड करने का भी दबाव रहता है, तभी भारतीय टीम अपनी असली काबिलियत का अंदाज़ा लगा पाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्कों में भी अफ्रीका भारत से कोसों आगे है। यानी कि अगर बात करेंगे आप साउथ अफ्रीका की तो 59 छक्के लगाए हैं, न्यूजीलैंड ने 42 छक्के लगाए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 41 और भारतीय टीम ने 35 छक्के लगाए हैं। वहीं श्रीलंका ने भी 31 छक्के लगाए हैं, यानी कि सिक्स के मामले में भारतीय टीम 4थे स्थान पर है। अब एक नज़र डालते हैं भारतीय टीम के गेंदबाजों पर, यानी कि जिनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन पर। अब तक भारतीय टीम 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर यानी कि इसमें एक ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ मैचों में उतरी है। यह कॉम्बिनेशन टीम को बेहद मजबूती दे रहा है। यह कॉम्बिनेशन किसी भी विपक्षी टीम को उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी है। वहीं अगर बात करें तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 3 मैचों में 2 विकेट लिए, जबकि स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी को 1 मैच खेलने का मौका मिला जिसमें उनके नाम 1 विकेट रहा। मोहम्मद शमी को पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला जिसमें वो 5 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह 11 विकेट, कुलदीप यादव 8 विकेट, रविंद्र जडेजा 7 विकेट और मोहम्मद सिराज 6 विकेट। यानी कि ये जो आपके प्लेयर ये सभी 5 मैच खेले हैं। हालांकि भारतीय टीम की अब एक और कमजोरी यह भी देखी जा रही है कि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण कुछ मैचों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं और ये भारतीय टीम के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है। इससे टीम को थोड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन उनके बगैर न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम को पटखनी भी दी। इस मैच में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने पांड्या की कमी को पूरा किया था। ऐसे में टीम को बिल्कुल कमजोर नहीं समझा जा सकता। भारतीय गेंदबाजी की एक सबसे बड़ी ताकत यह भी रही है कि सभी ने बेस्ट इकोनॉमी रेट के साथ सबसे किफ़ायती गेंदबाजी की है और इस मामले में भी भारतीय गेंदबाज सबसे आगे हैं। वर्ल्ड कप 2023 में बेस्ट इकोनॉमी रेट वाले गेंदबाज की लिस्ट में अश्विन टॉप पर है। हालांकि अश्विन ने मात्र 1 ही मैच खेला जिनका इकोनॉमी रेट 3.40 का रहा। उसके बाद बुमराह का इकोनॉमी रेट 3.80 का रहा। तीसरे नंबर पर जडेजा हैं जिनका इकोनॉमी रेट 3.97 का रहा है। हालांकि अफ्रीकी टीम के गेंदबाजों का इकोनॉमी रेट भारत के मुकाबले बेहद खराब रहा है। उनकी टीम में सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट केशव महाराज का रहा है जो 4.60 का है। वहीं भारतीय टीम के लिए अब तक के मैचों में यह एक भी अच्छी बात देखने को मिली है कि कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स को बेहतर तरीके से रोटेट कर रहे हैं। हालांकि उनकी भी असली परीक्षा तब होगी जब टीम को टारगेट डिफेंड करना होगा।
दूसरी ओर साउथ अफ्रीका है जो अपने नियमित कप्तान टिम्बा बाउमा की चोट से परेशान है। हालांकि उसके बावजूद एडन मार्कम की कप्तानी में टीम ने दमदार प्रदर्शन किया, कप्तान की जरा सा भी कमी नहीं खली। भारतीय टीम के पास चेज मास्टर कोहली भी हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने चेज के दौरान अपना जुझारूपन दिखाया, खासकर फैंस ने विराट कोहली को चेज मास्टर का तमगा भी दे दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 में से 4 मैच कोहली के दम पर ही जीते हैं। इस दौरान कोहली ने 85 नाबाद, 55-16, 103 नाबाद और 95 रनों की पारी भी खेली। इन सभी मैचों में रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और जडेजा ने भरपूर साथ मिला है। इन सभी ने विपक्षी गेंदबाजों को खौफजदा किया है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो चेज करने में अफ्रीका को पसीना आ जाता है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने 5 मैचों में 4 में से पहले बैटिंग करते हुए जीत हासिल की है। हालांकि वो नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम से भी 1 मैच हारे हैं। इस मैच में उन्हें बाद में बैटिंग करना पड़ा था, यानी यह साफ दिखता है कि टीम के सबसे बड़ी कमजोरी टारगेट चेज करना रहा है, जो कि इस समय भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, बड़ी बात यह भी रही है कि अफ्रीकी टीम ने अब तक पहले बैटिंग करते हुए जिन 4 मैचों में जीत हासिल की है, वह जीत का अंतर 100 से ज़्यादा रनों का रहा है। यानी कि उन्होंने बेहद डोमिनेटिंग अंदाज में जीत हासिल की है। लेकिन जैसे ही टारगेट चेंज करने की स्थिति बनी तो पूरी टीम ढह गई, वो भी कमजोर टीम के खिलाफ। हालांकि अफ्रीकी टीम में क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम अपनी जबरदस्त फॉर्म में हैं। मार्करम ने तो दिल्ली के मैदान पर 49 गेंदों पर वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जमाया था। यह शतक श्रीलंका के खिलाफ आया था, मगर यह सभी प्लेयर चेज के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ फ्लॉप हुए थे। चलिए अब आप एक नज़र डालते हैं वनडे में भारतीय टीम के रिकॉर्ड पर। भारतीय टीम ने कुल 1046 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम को 552 मैचों में जीत मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो पहले बैटिंग करते हुए 239 मैच जीते हैं, वहीं बाद में बैटिंग करते हुए 313 मैच जीते हैं। यानी कि भारतीय टीम जब चेज करती है तो उसमें अपने आप को सबसे ज़्यादा सहज महसूस करती है, और चेज करते हुए भारतीय टीम ने सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकी टीम के वनडे मैचों के आंकड़ों को। तो वनडे में साउथ अफ्रीका ने कुल 664 मैच खेले हैं, जिसमें 4 से 6 मैचों में जीत मिली है। पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 208 मैच जीते हैं और बाद में बैटिंग करते हुए 198 मैच जीते हैं। तो ये कुछ आंकड़ा रहा जो हमने आपके सामने पेश किया। और इस वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की अगर रेस की बात की जाए तो अभी तक भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई टीम कुछ हद तक अपने आप को इस रेस में शामिल कर पाई है। आज का जो मुकाबला चल रहा है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में, अगर इस मैच में पाकिस्तान को टीम को हार मिलती है तो वो निश्चित तौर पर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर कब्जा जमा लेगी। फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।